zombie apocalypse. हेलो गाइस, तो गाइस स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स के बारे में, जो कि यार सुपरसेल ने रिलीज़ की है और उसमें हमें देखने को मिले बहुत सारे रिक्वेस्टेड अपडेट फीचर्स। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स में यार सुपरसेल ने कहा है कि यार उन्होंने अपने कम्युनिटी का जितने भी रिक्वेस्ट है ना, जितने भी रिक्वेस्ट थे वो सारे के सारे उन्होंने चुना है और इस अपडेट में वो सारे के सारे मतलब रिक्वेस्टेड जो अपडेट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उसी को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करके यार सुपरसेल क्लैश ऑफ क्लैंस में ला रही है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो यार यही है क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स। तो आज हम लोग हर एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसा तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेम चेंज का। तो ऐसा नेम चेंज थे बहुत दिनों से मांग रहे, बहुत सारे रिक्वेस्ट गए उसके ऊपर फोरम्स में और भी कई सारे चीज़ों में। तो ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज है नेम चेंज का कि आपको उसमें जेम देना पड़ेगा और उसका जो जेम स्टार्टिंग जेम है वो है 500। और जैसे जैसे आप लोग नेम चेंज करते जाओगे 500 जेम उसमें जुड़ता जाएगा। जैसे समझ लो आप लोगों ने दूसरी बार नेम चेंज करने का फैसला कर लिया है तो उसमें आपको देने पड़ेंगे 500 जेम। तो आपको वो नेम अच्छा नहीं लगा, आप लोग दूसरा नेम चेंज करना चाहते हो, आप लोग उसको फिर से नेम चेंज करने जाते हो, तो तभी आपको वो मांगेगा 1000 जेम। तो गाइस ऐसे 500 जेम यार बढ़ते चले जाएंगे जब भी आप लोग अपने नेम को चेंज करोगे। और हाँ, यहाँ पर जो कूल डाउन टाइम है वो है एक हफ्ते का, मतलब 7 days। मतलब आप लोग अगर एक नेम चेंज करते हो तो उसके 7 दिन बाद दूसरा नेम चेंज कर पाओगे, उससे पहले आप लोग नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ये थे कुछ नेम चेंजेस के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लैन कासल स्लीप मोड के बारे में। तो ऐसा ये भी एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड फीचर है। तो इस क्लैन कासल स्लीप मोड के बारे में यार बहुत सारे रिक्वेस्ट गई है, बहुत सारे प्लेयर फोरम में यहाँ वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे सुपरसेल से। तो फाइनली वो एकदम रियल में आ चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में, मतलब अपडेट के बाद तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हो, यहाँ पर है स्लीप का फोटो, यहाँ पर है गार्ड का फोटो। तो इसके मदद से आप लोग अपने जितने भी मतलब सीसी ट्रूप से उसको आप बचा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको वो डिफेंस के लिए रखना है या फिर आपको वो बचा कर रखना है, और वो तय होगा आपके इस एक टॉगल बटन से। अगर आप लोग उसे स्लीप पर रखते हो तो आपके जो सीसी ट्रूप्स है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। मेरा मतलब है जब भी आप पे कोई अटैक होंगे तो आपके जो सीसी ट्रूप्स है वो वहीं पर रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप लोग इसे रखते हो गार्ड पे तो आपके जो सीसी ट्रूप्स है वो आपको डिफेंड करेंगे। तो ये एग्जैक्टली यार हमारे किंग क्वीन के ही तरह है, उन लोगों को हम लोग स्लीप भी रख सकते हैं या फिर गार्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सेम फीचर है। तो ऐसे यहाँ पर और एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, वो है कॉपी विलेज लेआउट, जिसमें यार आप लोग अपने क्लैन मेट्स के विलेज को कॉपी कर सकते हैं। और वो कॉपी कैसे होगा, समझ लो मेरे पास है अभी TH9, तो मैं TH10 के बेस को कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं TH8 के बेस को कॉपी कर सकता हूँ, मतलब +1 -1 ऐसे ही कॉपी कर सकता हूँ। मतलब है कि गाइस मेरे टाउन हॉल लेवल से +1 बेस या फिर -1 बेस को मैं कॉपी कर सकता हूँ। मतलब मेरा अगर TH9 है तो मैं TH10 के या फिर TH8 के बेस को कॉपी कर सकता हूँ, और जितने भी एडिशनल जितने भी बिल्डिंग्स या फिर डिफेंस होंगे उसके लिए वहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ होगा, आप लोग उसमें कोई भी दूसरे चीज़ को एडिट करके फिर सेव करना होगा। उसके बाद आपका जो बेस होगा वो एकदम रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकेंड में। एंड गाइस इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यार इसमें आप सिर्फ अपने क्लैन मेट्स के ही बेसिस को कॉपी कर सकते हो, बाहर के बेसिस को नहीं कर सकते। तो इससे होगा क्या कि यार हम जब वॉर में अटैक करेंगे, मतलब वॉर जब हमारा स्टार्ट होगा तभी यार हम अपने वॉर ओपोनेंट्स के बेसिस को कॉपी नहीं कर सकते, जिसके मदद से हम लोग सारे के सारे ट्रैप्स का पता नहीं लगा सकते और इससे होगा एकदम परफेक्ट वॉर, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी। इसीलिए यार सुपरसेल ने सिर्फ इसे क्लैन मेट्स तक ही रखा हुआ है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलो बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। तो ऐसा अभी हम लोग बात करेंगे वॉर टूल इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। तो ऐसा वॉर टूल में कुछ ऐसा है कि यार, तो ऐसा समझ लो आप लोगों ने दोनों ही अटैक को क्लेम कर रखा है और आपके दोनों अटैक हो चुके हैं, तो यार तभी आपका जो नाम है वहाँ से हट जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली, जिससे यार कन्फ्यूजन ना हो दूसरे प्लेयर्स को। तो ऐसा अभी हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। तो ऐसा सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट है वो आता है रीप्ले को शेयर करने के लिए। तो गाइस यार यहाँ पर पहले रीप्ले को जब हम शेयर करते थे तो हमारे पास उसका कूल डाउन टाइम होता था 30 मिनट,
मतलब 30 मिनट के बाद ही हम अपने दूसरे रिप्ले को शेयर कर सकते हैं हमारे क्लैन में। तो अभी उसका जो रिड्यूस हो चुका है, उसका पूरा 25 मिनट रिड्यूस हो चुका है, और अभी का जो टाइम है वो है 5 मिनट्स का। इसका मतलब है आप लोग हर 5 मिनट में अपने हर एक रिप्ले को शेयर कर सकते हो। और गाइस जो दूसरा इम्प्रूवमेंट है वो आता है पावर पोशन की तरफ से। तो गाइस यार अभी जो सर्वर जब मेंटेनेंस पे जाएगा, तो अगर हमारा पावर पोशन तभी यूज़ में है तो उसका जो टाइम है वो एकदम प्रॉपरली रुक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। समझ लो आधा घंटा बचा है, तो सर्वर मेंटेनेंस के बाद भी उसमें आधा घंटा बचा होगा। इसका मतलब है आप लोगों का इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो ये भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे ये थे कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस के फीचर्स। तो आपको इन सारे के सारे अपडेट्स में से यार कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे यार, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक मार दो, इस पर कमेंट करो आपको अगले वीडियो में क्या देखना है। अगर आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को दबाओ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।